गाइस, मैं हूं नसीर, मैं हूं अनस, मैं हूं नौमान और हम रिएक्ट कर रहे हैं मास सफदर के वलीमे वाली वीडियो पर। मेरा वलीमा करके टाइटल है। तो हमने इनकी वीडियो देखी थी शादी का पार्ट वन, मेरी शादी करके इन्होंने वीडियो डाला। तो उस पर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं, देखते हैं इनके वलीमे में क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अभी 10:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग हो रही है। आज है हमारा इवेंट वलीमे का। शादी हो चुकी है, अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ। 12 बजे इवेंट है और 10:30 हो रहे हैं। अभी मुझे सलून भी जाना है और वहां से रेडी शेडी होना है और उसके बाद अपने सारे गेस्टों को रिसीव करना है। और अभी तक ड्राइव से हमारा ब्लॉग डाउनलोड नहीं हुआ पार्ट टू, तो पार्ट टू जैसे डाउनलोड होगा वैसे उसको भी अपलोड करेंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ये इनकी सुन लो, ये बोल लेंगे सुन लो बस। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सिस्टर भी खुल गई है इनकी, बिल्कुल कैमरे के सारे हैं बाहर। भैया नीचे कर रहे हैं हमारा वेट। भैया मैं आता हूँ, ठीक है बच्ची, अल्लाह ब्लॉग कर लेते। अस्सलाम वालेकुम बागी शेट। सो बागी भाई भी आ गए हैं और ये रेडी शेडी होकर आए। हम रेडी नहीं हुए, हमने सोचा था कि हम पहले जाएंगे सलून, पहले कट शर्ट जो भी बाल वगैरह बनाते, देन उसके बाद घर जाके रेडी हो जाएंगे, मतलब सूट वगैरह पहनेंगे। और ये तो वैसे भी रेडी नहीं हुए और ये स्वतः सलून को जा रहे हैं, ये अपने एक्स्ट्रा बाल लगवाने जा रहे हैं। क्या हो गया? अच्छा ओके, तो चलते हैं सलून। भैया जी तो बाल बन चुके हैं और अब जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि कपड़े भी तो रह गए ना, तो डायरेक्ट कपड़े पहनते हैं। अरे बड़ी जल्दी रेडी नहीं हो गया? अबे झूठ बोल रहा साला, एक घंटे में हम लोग रेडी हुए। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया और 12 बजे हम सलून से आए थे और बस फिर कपड़े में तैयारी शैयारी और बस सिर्फ यही हुआ। सो अभी टाइम हो गया है चलने का वहाँ पर। अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमारे सारे मेहमान आगे वापसी चले आएंगे और खाना भी उनको नहीं मिलेगा, तो इसलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि मेहमान नवाजी हम नहीं करनी है। और अगर हम मेहमान नवाजी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी के साथ साथ एटीट्यूड वाई भी आ चुके हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो चलो डांस किया और बिल्कुल अभी अंदर आया। क्या इंटरव्यू ये, क्या हमने ड्रम वाले बुलाए थे आज। आज मैंने बोला कि सबको नचाते और सब नाचे भाई, और जैसे ही अंदर आए तो ये फोटोग्राफर ने हमें पकड़ लिया, क्या बोलते हैं पिक्चर खिंचवा लो, बरात है तो पिक्चर नहीं खिंचवाई।
यार शादी में क्या बोले, क्या बंदा बोले शादी नहीं हो गई, तुम मुझे पहले बताते क्यों मैं कर लेता शादी जल्दी। नहीं भैया को तो एक्सपीरियंस था ना, उसको बता देना चाहिए था। देखो मैं इसको यही तो बोल रहा हूँ, शादी फिलहाल है ना, ये मुझे पहले ही बताता मैं पहले ही कर लेता, इसने मुझे बताया लेट। चलो देर आए दुरुस्त आए, जब शादी होना होती है हो जाती है भाई, कुछ नहीं पता होता तो अल्लाह को पता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी तो हो गई, आज है वलीमा, और मैं आपको ये पहले क्लिप में बता चुका हूँ, बट अभी देखो क्या क्या होता है, कौन कौन गेस्ट आते हैं, मैंने बुलाया तो बहुत सारे गेस्ट हैं, सो या वेट करते सबका। भाई इन लोग की तो फोटो शूट ही ख़त्म नहीं हो रहा, शादी का यही तो बहुत गंदा चक्कर है कि बंदा मसरूफ़ हो जाता है पिक्चर खिंचवाने में, समझ में बिल्कुल नहीं आता। मैं तो ये तो फिर भी पिक्चर खिंचवा रहा है, मैं तो स्टेज से उतर ही नहीं रहता, ये तो उतर के मेहमानों से मिल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये देखें इसको चैन ही नहीं है बिल्कुल। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं, अभी भी आना बाकी हैं, और सब खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि खाना अभी घर से कोई खा के ही नहीं आया, क्योंकि वली में खाना खाने के लिए तो लोग आते हैं, तो अभी बस देख रहे हैं हम सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। माज भी अपने पिक्चर्स में लगा हुआ है, उसको आज उठने का मौका नहीं मिल रहा, आज वो फंस गया। मम्मा आप तो बहुत मसरूफ चल रही हो। कहाँ चल रही हूँ, खड़ी भी तो हूँ, सबसे मिलना पड़ रहा है आपको। मिलूंगी मैं, जाहिर सी बात है। हाँ, सी बात है, मेहमानों से तो मिलना पड़ता है। आपका बेटा कहाँ है? वो भाग गया बाहर। उसी की शादी वही नहीं है। हाँ वही नहीं है ना, क्या करें। अच्छा आप जल्दी से सबसे मेहमानों से सबसे सलाम कर लो। चलो ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वरना आप थक ना जाना। नहीं नहीं मैं नहीं थकती। चलो सही है सही है। अरे भाई फरिया तो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ है, तो बातें तो क्या हो गया, और सबको देखो ना, इतने सारे रिश्तेदार आए हैं, सबको, इतने सारे लोग हैं, मैं किस किस को देखूं? तुम तो बस दोस्तों में ही लग गए। नहीं मैं कंफ्यूज हो गई, यहाँ देखो यहाँ भी लोग, वहाँ देखो वहाँ भी लोग। अरे यार कोई बात नहीं, अब मैं एक तरीके बताऊँ? बताओ। तुम एक जगह चुपके बैठी हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा दोस्तों को लो चुपके बैठी, बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने। चलो एंजॉय करो, एंजॉय करो, आप एंजॉय करो। ओके ओके, तैयारी में लगा माशाल्लाह, बड़ा मसरूफ है, बहुत खुश था माँ। अच्छा रात में बहुत खुश था, रात के आने के बाद भी, रात के सुबह भी जो बड़ा खुश था, अभी भी जो ना सुबह से तैयारी में लगा हुआ है, किसी तरीके से जो है ना, बस वलीमा फोरा में बड़ी खुशी की बात है, तो उसमें लगा हुआ माशाल्लाह, बड़ा खुश है, हम लोग सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब आज नहीं, बारात में भी, मेहंदी में भी, आज वलीमा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे भाई की शादी हुई है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, दोनों को खुश रखे और सलामत रखे। बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत बिजी थे, बहुत काम कर रहे हैं, भाई ने भी, माज ने भी, माज तो अभी बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि अब फैंस आ रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, मेहमान हैं, सब मेहमान नवाजी करनी होती है, तो बिजी चल रहा है पूरा टाइम। ओके, और भाई तुम्हारे भाई की शादी है कुछ बोलो। पहले सलाम, आप अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर लिया मैंने। अच्छा कर लिया प्यारे। नहीं ये तो हर वक्त यही करते, बालों पर कैसे मारा, मेरे बाल कैसे खराब, छोड़ो छोड़ो इसको, फिर शादी में लड़ रहे शादी में देखा भाग गया, शर्म से भाग गया। क्या बात है शिलाते, कैसे भाई? बहुत जल्दी आए माशाल्लाह, बहुत जल्दी लक्की भाई, जो अभी रोस्ट देखा था वो एक वीडियो देखी थी हमने अभी, कैसा वो है ये लक्की भाई, सबको लगा यूट्यूबर लोग आए हुए हैं। अपने दोस्तों को खाना नहीं दे, अबे टुबोटस पिटस कौन है तो खिलाओ दोस्तों को, मैं अभी सबर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी खिलाओ। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप, आप प्लेट की लीजिए, मैंने बोला शायद आप नहीं आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, असल में कुछ लोग होते हैं जो, मैं तो अच्छी बात है खाना खाते हो सलाम करना नहीं चाहिए, जो खाना खा रहा हूँ तो आपको भी इत्राम करें कि सलाम उस टाइम ना करें, तो अभी सलाम नहीं करते, बाद में मुलाकात करते हैं। भग भग कैसी है जोया, इतना लेट आए, इतना लेट क्यों लेट आई हो? गाड़ी वाला लाने ले गया, गाड़ी वाला इनको जहाँ पर हमारा हॉल है उससे 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर ले गया। और बढ़ते हैं भाई आगे अभी खाने की तरफ, तो आज देखते हैं हमारे खाने में क्या क्या मेन्यू है, और सो आए सबसे पहले है भाई कढ़ाई, और कढ़ाई शायद आई थिंक ये बकरे की है और लाइव कढ़ाई है, और नान है इसको पता नहीं, छोटा नान पता नहीं क्या बोलते हैं, ये है चिकन,
चिकन तंबूरा कुछ इस टाइप का, जूसी मस्टर्ड कबाब। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे को पानी आ गया जूसी जब मैंने बोला, और कैमरामैन के भी आ गया होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी। और इसी के साथ है बिरयानी, बीफ की है ये, बीफ की, क्योंकि हमारे घर में मटन बहुत कम खाया जाता है। मैं तो पसंद करता हूँ मटन। और ये है रशियन सैलेड, और इसमें फ्रूट वगैरह होते हैं और वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। और ये है अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स और पानी। रखी थी, आगे बढ़ते हैं ब्रो। मेरे कैमरा मैन बोल रहे हैं कि आगे दिखाओ, आगे और भी है। मैंने बोला अच्छा आ जाओ। सो आगे है ये लबीशरी सा कस्टर्ड बनवाया है, ये फ्रूट भी हो और टेस्टी भी हो और जेलीज वगैरह, मतलब बच्चों भी लाइक कर सकें और बड़े भी लाइक कर सकें। काफ़ी टॉपिक पर आते हैं। तो सीन ये था कि हमने मेहंदी और बारात जो है वो थोड़ी सिंपल रखी थी, और वलीमे में दोस्तों की शिकायत हो जाती है कि मुझे नहीं बुलाया। सो दैट्स वाई अपने उस्तादों को भी बुलाया और दोस्तों को भी बुलाया और कज़नों को भी, रिश्तेदारों को भी, ETC, मतलब तकरीबन लोगों को बुलाया, क्योंकि 300-350। लेकिन अगर मैं सबको बुलाता तो 600 हो जाते, बट ये भी ठीक है। सो अब चलते हैं स्टेज की तरफ। सबा और मैंने खाना है खाना। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी। अल्लाह आपको नजर बस से बचाए। मेरा भाई उससे ज्यादा प्यारा लग रहा है, उसको भी बहुत बचाए। आमीन आमीन। हमारे घर वालों को बस बस गिफ्ट गिफ्ट अभी मुझे मिलना है गिफ्ट। प्रमोशन, ये मेरे गिफ्ट कार्ड दिया है। आज इन्हें लड़कियों वाले बाल बनाए, मैं आपको बता रही हूँ। लड़कियों वाले लोग बोल रहे हैं यार हैंडसम लग रहा है इतना, सबके सब बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, कभी कभी कोई वो लोग बोलते हैं जो जलते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जलती। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, मेरी और इसकी बहुत लड़ाई बहुत होती है, लेकिन प्यार वाली सही है, मोहब्बत है। झूठी मूठी तो भाई मास की शादी हो चुकी है, पता चल गया उनको, वो तो पता है वली मास आने वाला है। ये तो पता है, नहीं भाई तू खुद ही पकड़, ये पता है, ये बहुत मुश्किल। सो ये अब आया है, अब आया असली व्लॉगर। सो भाई पीछे लग चुका है खाना, और अब जो खाने का टाइम है वो है हमारी फैमिली का, और मतलब कि जिन जिन ने खाना नहीं खाया, जो जो लेट आया वो खाना खाएंगे। और वो पता है क्या एंड में पता क्यों खाते हैं, गरम गरम और सही ताज़ा मिल जाता है। और मेरे सारे दोस्त वगैरह भी हैं। पापा पापा कितने गेस्ट को आपने खिदमत वगैरह की, मतलब कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन आया था? बेटा सब आए थे, वो सबको ही देखना होता है। हाँ सबको ही, सबके पास जा रहे थे, सबको देखना पड़ा। मज़ा आया आपको? हाँ मज़ा तो बहुत आया, मज़ा बहुत आया ना वलीमे में, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा देखो यूँ आया, मेरे सारे बच्चों ने इन्जॉय किया ना। हाँ। सही है ना, मेरे लिए वो बहुत है। हाँ, सही है ना, मेरे बच्चों ने इन्जॉय किया तो मैंने तो बहुत ज्यादा किया फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। हमारे बच्चे खुश हैं तो भाई हम भी खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाबा का भाई रिव्यू था ये वाला, कि बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। और मैं भी जा रहा हूँ भाई सभा के पास। सभा से पूछो सभा खाना खाया नहीं खाया। सभा खाना खाया आपने? नहीं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। बस मैं आया, बस मैं आया, जल्दी आ जाओ प्लीज। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। मतलब खाना वाना और वो सजावट सब कुछ, जो फन के साथ जो हंसी खुशी रहते हुए इन्होंने जो व्लॉग बनाया वो सबसे बढ़िया लगता है। मतलब एक आदत बंदे की बहुत सही है, अच्छे व्लॉग बनाता है बंदा। मज़ा आया इनकी वीडियो में सबको देखकर। डकी भाई यूट्यूबर लोग आए थे, दानिश तैमूर, जो ये शो में जाते हैं कभी कभी, कोई सा शो होता है वो, उसमें ये टिकटॉकर वर्सेस इंस्टाग्रामर ऐसे करके कुछ शो होता है, तो उसके लोग जो वहाँ पर जाते हैं, तो वो उनकी टीम भी थी, टिकटॉकर लोग भी थे, शहीद व्लॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और हुसैन तरीन भी थे इसमें, टकी भाई थे, काफ़ी सारे लोग थे इसमें जो इनके ख़ास हैं, जो इनकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे यूट्यूबर्स हों चाहे टिकटॉकर्स हों। एंड इन दोनों की जोड़ी की बात करो तो कपड़े इनके बहुत ज़्यादा सिंपल से लग रहे थे, कलर बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नहीं था, लेकिन बहुत कमाल लग रहे थे दोनों साथ में। पतला पतला सा फेस, थोड़े पतले से हैं दोनों लोग, लेकिन जोड़ी बढ़िया लग रही थी। हाँ, सूट कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब मैच कर रही थी एक जोड़ी।
तो खूबसूरत लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे दोनों, एंड खाना पीना सब कुछ बढ़िया इंतजाम था, और हमारे मुंह में भी पानी आ गया खाने को देखकर, एंड वीडियो बहुत मजेदार था, एंजॉय किया हमने। वी होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर किया तो लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।